18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, जो जन्मा है वो मरेगा ही, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता है। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्यों नहीं शव को अकेला छोड़ा जाता है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। चलिए अब जानते हैं कि दाह संस्कार कुछ समय के लिए क्यों टाल देते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि अगर सूर्यास्त के बाद मृत्यु होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और कारण यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी ना किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5ों का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। अंतिम कारण यह बताया गया है कि यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी ना किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें।